नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी है 19 जुलाई 2023 की। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो ये न्यूज आप देख पा रहे हैं, इसमें बताया गया है कि महिलाओं और पुरुष अभ्यर्थियों का अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है, उसी को लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज का शीर्षक क्या है, परीक्षा 2 घंटे की होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा और 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी, इस चीज को भी यहां पर क्लियर किया गया है। बाकी परीक्षा तिथि तो आप सभी जानते हैं, 24, 25, 26, 27 अगस्त को प्रस्तावित है। न्यूज आपकी है दरभंगा से प्रकाशित हुई है, जिसमें प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति जो परीक्षा है उसको आयोजन को लेकर के मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बी राजेंद्र, अपर महानिदेशक जो हैं, उन सभी की अगर बात करते हैं तो एक ऑनलाइन बैठक आयोजित जो है वो की गई थी। और इसी बैठक में आपका कुछ निर्णय लिए गए हैं, जैसे परीक्षा जो है आपकी सभी की 2 घंटे की होगी, ये तो आपको पता ही था, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा जब प्रारंभ हो जाएगी उसके 1 घंटा पहले अभ्यर्थियों का प्रवेश जो है वो बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी 1 घंटे के दौरान ही प्रश्न पत्र जोनल दंडाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्र में उपलब्ध कराया जाएगा। तो प्रश्न पत्र डिजिटल लॉक वाली पेटी में भेजा जाएगा, वो क्लियर किया गया है, जिसका कोड परीक्षा तिथि के 2 दिन पहले जो है वो बताया जाएगा। साथ ही बॉक्स में से सील्ड पेटी पैकेट सीधे परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के सामने ही खोले जाएंगे। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत परीक्षार्थियों के सामने ही ओएमआर सीट सील्ड जो है वो किया जाएगा और आयोग द्वारा विशेष मार्क वाले जो जैकेट कवर है वो लगाया जाएगा, ताकि सील्ड पैकेट में कोई प्रकार की छेड़छाड़ ना हो सके। अब बात करते हैं न्यूज के उस हिस्से की जो कि आपने थंबनेल पर देखा। यहाँ पर लिखा है सर्विलेंस कैमरे की व्यवस्था रहेगी ताकि कहीं से भी निगरानी की जा सके। यहाँ पर दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेकर के भी बात की गई है कि उन्हें लिखने वाले लेखक जो है उनकी सुविधा दी जाएगी। साथ ही अलग अलग विषयों के ओएमआर सीट अलग अलग तरीके में होंगे, इसलिए जो लेखक होंगे उनको भी 2 दिन पहले ही आयोग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाया जाएगा। सर्विलांस जो कैमरे हैं उनकी व्यवस्था रहेगी ताकि कहीं से बैठ करके निगरानी की जा सके। महिला और पुरुष अभ्यर्थी, ये वाली लाइन आप क्लियर देखेंगे, तो महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और बाढ़ की स्थिति में 2 पालियों में भी परीक्षा ली जा सकती है, ऐसा भी यहाँ पर जस्ट नीचे लिखा है। बाकी बाढ़ की स्थिति के अलावा ये भी मैंने बताया था कि टोटल संख्या 6.5 लाख क्रॉस कर चुकी है, वो भी एक 2 पालियों में परीक्षा केंद्र को लेकर के कारण है। बाकी इसमें एक और लाइन नीचे क्लियर की गई है कि ऐसे में प्रथम पाली पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और दूसरी पाली महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा होगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये किसी नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं है, न्यूज है। अब ये यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है, जो बैठक हुई ऑनलाइन उसमें निर्णय लिया गया है, या फिर यहाँ पर केवल संभावनाओं की ही बात हो रही है। बाकी यहाँ पर एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएंगे, ये भी क्लियर किया गया है। कई लोग सोच रहे थे कि रिजर्वेशन वगैरह कराना पड़ेगा, तो 4 दिन पहले नहीं 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। बाकी परीक्षा केंद्र के 2 दिन पहले उस कोर्स से संबंधित परीक्षा केंद्र का नाम बताया जाएगा, यानी कि जो 10 दिन पहले बताया जाएगा वो हो सकता है सिटी बताई जाए, जिसमें लिखा भी एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का नाम नहीं रहेगा, केवल और केवल आपको उसको कोड के जरिए बताया जाएगा, मतलब उसकी जगह कोड रहेगा और परीक्षा के 2 दिन पहले उस कोड से संबंधित परीक्षा केंद्र का नाम बताया जाएगा, ये यहाँ पर क्लियर किया गया। बाकी नीचे 20 जुलाई से परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है, वो भी यहाँ बताया गया है। सभी डीएम को 20 जुलाई से पहले परीक्षा केंद्र की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। बैठक में शांतिपूर्ण परीक्षा हो, ये सारी चीजों को लेकर के भी बात यहाँ पर की गई है। तो यही था हमारे सोरल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।